हरे कृष्णा, मैं कृष्णा सारिका। मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर सब मुस्लिम्स रहते हैं। वो मेरे साथ छेड़खानी करते थे, मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, मेरे घर के दरवाजे पे बकरी काटते थे, मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर लगा दिया गया था और मुझे भजन कीर्तन के लिए मना करते थे। तो मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनके ऊपर FIR कर दिया। तो FIR करने के बाद इन लोगों ने मुझे धमकी दी, अगर FIR वापस नहीं लिया तो हम घर खाली करवाएंगे कैसे भी। इन लोगों ने मुझे आमिन पटेल की धमकी दी कि आमिन पटेल हमारे यहाँ के लीडर है, वो तुम्हारी अकेली के लिए हमारे इतने सारे वोट जाने नहीं देंगे और वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। और उन लोगों ने ये लीडर के थ्रू BMC में प्रेशर करवा के पुलिस को बुलाकर आज मेरा घर खाली करवा दिया, मेरे घर पर सील लगा दिया। मेरे इतने सालों का घर 1944 से मेरे ग्रैंडफादर को मिला था, ये 100 साल पुराना घर है। हम लीगली वहाँ पर रहते हैं और कितने लोग जो है वहाँ पर वो इलीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन इनको कोई निकालता नहीं और हमें हमारे ही घर से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है और मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की। के दरवाजे पे बकरी काटते थे, मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर लगा दिया गया था और मुझे भजन कीर्तन के लिए मना करते थे। तो मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनके ऊपर FIR कर दिया। तो FIR करने के बाद इन लोगों ने मुझे धमकी दी, अगर FIR वापस नहीं लिया तो हम घर खाली करवाएंगे कैसे भी। इन लोगों ने मुझे आमिन पटेल की धमकी दी कि आमिन पटेल हमारे यहाँ के लीडर है, वो तुम्हारी अकेली के लिए हमारे इतने सारे वोट जाने नहीं देंगे और वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। और उन लोगों ने ये लीडर के थ्रू BMC में प्रेशर करवा के पुलिस को बुलाकर आज मेरा घर खाली करवा दिया, मेरे घर पर सील लगा दिया। मेरे इतने सालों का घर 1944 से मेरे ग्रैंडफादर को मिला था, ये 100 साल पुराना घर है। हम लीगली वहाँ पर रहते हैं और कितने लोग जो है वहाँ पर वो इलीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन इनको कोई निकालता नहीं और हमें हमारे ही घर से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है और मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की।